महरमजान के पाक महीने में हमने इससे पहले देखा कि बागी मथा में जिस्म फरोशी का जो धंधा है उस रैकेट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त किया और उसी की कड़ी के तहत आज शहर श्रीनगर के शंकरपुरा नौगाम श्रीनगर में यही वो बिल्डिंग है जहां पे जिस्म फरोशी का एक और धंधा जो है पुलिस ने उसको पकड़ में लिया। लेकिन इसमें जो हैरानकुन बात थी, जो मियाँ बीवी है उसको अल्लाह ताला ने एक बहुत बुलंद तरीन दर्जा दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो जिस्म फरोशी का धंधा था इसमें मियाँ बीवी भी शामिल थे। पुलिस ने बहरहाल यही वो मकान है जिसमें ये जिस्म फरोशी का धंधा है पुलिस ने इसको पकड़ में लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पे जाल बिछाया था, वो जाल कैसे बिछाया था, पुलिस ने अपने ही कुछ जो है आदमी इस जाल में यहाँ पे डाले थे तो जो यहाँ कस्टमर बतौर आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि सेक्स वर्कर्स के साथ मियाँ बीवी के साथ साथ कुछ गिरफ्तारियां इसमें अमल में लाई गई है। बहरहाल कैमरामैन आपको दिखाएगा, हम इस वक्त शंकरपुरा नौगाम के उसी मकान में मौजूद है जहां पे महरमजान के पाक महीने में जिस्म भरोसी का ये धंधा चल रहा था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जैसे बागी मथा केस में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, क्या इन पे भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई इस मकान मालिक के खिलाफ होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये जो हादसा यहाँ पे नौगाम शंकरपुरा में पेश आया इसमें एक देखने वाली बात है, अगर इस मकान की बात की जाए ये मेन जो सड़क है वहीं पे लोकेट है और ये 3-4 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन क्या समाज की जिम्मेदारी आयर नहीं होती है जब आपको शक व शुबाब होता है कहीं पे तो उस टाइम हम पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करते। लेकिन अगर और मजीद बात करेंगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने ये महीना इबादत के लिए जो है खसूसन ये महीना इबादत करने के लिए, लेकिन वादी कश्मीर की तारीख में पहली बार हम आपको बता रहे हैं कि दो बड़े रैकेट सेक्स स्कैंडल जो है वो पकड़े गए, वो भी शहरी श्रीनगर में, वो भी जहां ये दोनों स्कैंडल उस जगह पकड़े गए जहां पे बस्ती और आबादी बहुत ज्यादा है। अब देखना होगा कि पुलिस मजीद इसमें क्या कार्रवाई होगी, जो भी इसमें मुलावस होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। Я хочу лавочку, а ты как говорится. Пошли в тёрку.